चिकन कबाब। आज हम बनाएंगे चिकन कबाब। चिकन कबाब बनाने के लिए मैंने लिया है आधा केजी चिकन, दो आलू, एक अंडा, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्ची, कॉर्नफ्लावर आटा 2 चम्मच, अदरक लहसुन की पेस्ट 2 चम्मच, चिली फ्लेक्स, हल्दी, लाल मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। अभी अपन चिकन को मिक्सर में पीस के लेंगे एकदम अच्छे से। देखिए मैंने अभी चिकन को अच्छे से पीस के निकाला है। ये देखो अभी आलू लिए है, आलू को अच्छे से छीलेंगे, उसको छिलका निकालेंगे। देखो आलू को दोनों आलू को छिला हुआ है। अभी अभी उनको किसेंगे किसने पे। लिए आलू को अच्छे से किस के, पर अभी इसमें है ना बहुत सारा पानी रहता है, वो आपको उनको निकालना नहीं, तो पानी रहेगा तो तलते टाइम बहुत प्रॉब्लम होता है। इसको लिए ये पूरा पानी निकल के, देखो ऐसे पानी निकलता है, ये पानी पूरा निकल के फेंकने का, और सिर्फ आलू को ऐसे लेने का। अब इसके अंदर डालेंगे अपन जो आलू की सके रखा था वो वाला लेंगे। ये देखिए आलू डाला, अदरक लहसुन की पेस्ट, पुदीना, कोथमीर, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, हरी मिर्च। फिर ले थोड़ी सी हल्दी, मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा चिली फ्लेक्स और एक अंडा। अंडा कॉर्नफ्लावर आटा 2 चम्मच। अभी इसको अपन अच्छे से मिक्स करके लेंगे। इसमें ना अपन प्याज डालना दिखाना मैं भूल गई थी, पर इसमें प्याज भी डलता है, मतलब अच्छे से मैरिनेट करके रखो फिर प्याज डाल दीजिए। अभी अच्छे से उसमें प्याज मिक्स करके रखेंगे और कम से कम 1 घंटा तक मैरिनेट करेंगे उसको। 1 घंटा मैरिनेट करने का और फिर तलने के। अपन ने लिया है कोयला, उसको अभी अच्छे से जलाएंगे और फिर कबाब का जो बैटर रेडी किया है उसको स्मोक देंगे अपन इससे। ये लिया कोयला, इसमें भी अच्छे से स्मोक देंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा बटर, अभी फिर इसको 1 घंटा मैरिनेट करके रखेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैरिनेट किया हुआ अपन का चिकन का बैटर कबाब बनाने के लिए, उसको स्मोक भी देखे हुए हैं। इसको अपन हटाते, आधा नींबू निचोड़ते हैं। जितना नींबू डाल के खाएंगे ना खट्टा, उतना स्वाद भी अच्छा आता है, और कबाब में नींबू रहेगा तो मजा ही और आता है। फ्राई करने के लिए अपन कढ़ाई रखी है, अभी इसमें डालते तेल। ये रेडी हुआ बैटर है एकदम अच्छे से। अभी उसको लेके अपन को ऐसे बनाने के, ऐसे एक एक लेके और तेल में तलने के।
गैस में पकाने क्योंकि चिकन कच्चा रहता है ना, तो उसको अच्छे से अंदर से भी पकना चाहिए। इसके लिए हम अच्छे से इसको स्लो गैस पे मीडियम गैस पे पकाने के लिए देखो ये अपन रोटी के साथ भी खा सकते, पाव के साथ खा सकते, या अपन चावल और दाल दाल मतलब खट्टी दाल के साथ खा के तो और टेस्ट लगता है। खट्टी दाल के खाने खाने का बहुत अच्छा लगता है। क्या वो खट्टी दाल चाहिए तो नेक्स्ट टाइम अपन मैं खट्टी दाल बनाऊंगी, और उसके आज तो मैंने बनाई है पर उसकी मैंने वीडियो नहीं डाली हूँ, पर अपन नेक्स्ट टाइम खट्टी दाल बना के जरूर दिखाऊंगी। उसके साथ कबाब खाने की मजा ही कुछ और है। You say never let me